सिक्किम में बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई। मिली जानकारी के अनुसार घटना उत्तरी सिक्किम की है। अभी तक मिल रही जानकारी के मुताबिक बादल फटने और तीस्ता नदी में आए उफान की वजह से कई जगहों पर सड़कें भी टूट गई हैं। साथ ही नदी के बढ़े जलस्तर की वजह से सेना के 20 से अधिक जवान भी लापता हो गए हैं। सेना ने लापता हुए जवानों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। तीस्ता नदी में बाढ़ आने की मुख्य वजह चुंगथांग बाढ़ से पानी छोड़ने को बताया जा रहा है। तीस्ता नदी में आए बाढ़ की वजह से NH-10 का एक बड़ा हिस्सा भी टूट गया है। बता दें कि NH-10 के कुछ हिस्सों के टूटने की वजह से सिक्किम की राजधानी गैंगटोक का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है। वहीं गुवाहाटी के डिफेंस PRO ने आगे कहा कि बादल फटने से अचानक पानी बढ़ गया था, जिस वजह से चुंगथांग बाढ़ से पानी छोड़ना पड़ा। इसके बाद तीस्ता नदी से लगे निचले इलाकों में 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक पानी बढ़ गया। इसकी जद में सेना का कैंप भी आ गया। अधिकारियों के मुताबिक हादसे के बाद सेना के लापता जवानों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बाढ़ के चलते सिक्किम में सिंगथम फुटब्रिज भी ढह गया। पानी तीस्ता नदी के आसपास के क्षेत्रों में इतना ज्यादा है कि इन इलाकों में खड़े सेना के वाहन भी पानी में डूब गए। रक्षा PRO के मुताबिक उत्तरी सिक्किम में लहोनकर झील के ऊपर अचानक बादल फटने से लाचेन घाटी में तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई। घाटी में कुछ सैन्य प्रतिष्ठान प्रभावित हुए हैं। अधिक जानकारी जुटाने के प्रयास अभी जारी है। फिलहाल 23 कर्मियों के लापता होने की सूचना है और कुछ वाहनों के कीचड़ में डूबे होने की खबर भी है। इसी बीच मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सिंगताम में स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। वहां भाजपा नेता उगियेन शरिंगे भूटिया ने कहा कि सिंगताम में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सार्वजनिक संपत्तियों को भारी क्षति हुई है। कुछ लोगों के लापता होने की भी जानकारी है। उन्हें ढूंढने की कोशिशें लगातार जारी है। गौरतलब है कि मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि बुधवार सुबह राज्य के तांडोंग यानी पूर्वी सिक्किम में 30.0 मिलीमीटर, रंगौला यानी दक्षिण सिक्किम में जो है वहाँ पे 52.0 मिलीमीटर, मंगा गिचिंग जो पश्चिम सिक्किम में है 39.5 मिलीमीटर, युकसोम जो पश्चिम सिक्किम में है 26.5 मिलीमीटर बारिश देखी जा सकती है। जहाँ तक सिक्किम में मौसम पूर्वानुमान का सवाल है, सिक्किम में अगले 3-4 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की उम्मीद है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।